फ्रेंड्स वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले, उसकी डिटेल्स, उसकी कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल शिवा लर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो गाइस जो KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये अपनी ही KGMU उससे एफिलिएटेड है, इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है और सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है, मेडिकल कॉलेज में से। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में से एक आता है। तो इसकी अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो MBBS में इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए 40 सीट्स हैं और स्टेट कोटा के लिए 210। ऑल इंडिया कोटा के लिए इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है इन 40 सीट्स के लिए। तो टोटल इसमें MBBS की 250 सीट्स हैं और BDS की बात करें तो इसमें ऑल इंडिया कोटा की 9 सीट्स हैं और स्टेट कोटा की 51। तो ऐसे इसमें टोटल BDS की 60 सीट्स हैं, MBBS की 250 और BDS की 60। गाइस इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दिस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 में ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल के लिए 615, OBC के लिए 610, SC के लिए 535, ST के लिए 500 और PH के लिए 445 इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो गाइस ये बताया मैंने आपको सीट मैट्रिक्स और इसकी कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की बात करें तो स्टेट कोटा की कट ऑफ जनरल के लिए 595, OBC के लिए 580, SC के लिए 530 और ST के लिए 370 इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो गाइस ये थी KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डिटेल्स, उसकी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में अन्य नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।